अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चलिए आज हम आपके लिए न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। भरवा बैंगन मसाला बहुत इजी तरीके से बनाना बताएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम बनाना बताते हैं इसमें कौन से मसाले लगेंगे और कैसे बनेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंगन भरवा बनाना, तो इसके लिए हमें सबसे पहले बैंगन चाहिए होंगे। हमने 500 ग्राम फ्रेश बैंगन लिए हैं और साथ ही में इसके मसाले दे जाएंगे। तो बता देते हैं, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हमने मिर्चा लिया है, 1 चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच जाट का मसाला लिया है और 2 चम्मच हमने जो है जाट का अचार का मसाला जो बनाना सीखा था वो लिया है, और 1 चम्मच गरम मसाला लिया और 1 चम्मच हमने धनिया लिया। इसको जो है मसाला पीसने के लिए जो हमें लेना है, इस तरह से हमने अदरक काट ली है, थोड़ी अदरक, थोड़ा लहसुन, थोड़ी प्याज और थोड़ी हरी मिर्च ली, इसको हमें पीसना है। और हमें बताने के लिए थोड़ी राई, थोड़ा जीरा चाहिए होगा और हमें 1 नींबू चाहिए होगा। तो चलिए हमने पैन चढ़ा दिया, इसमें बहुत जरा से एकदम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस 1 चम्मच छोटा चाय वाला। इसको हम थोड़ा गर्म होने दें, जैसे गर्म हो गया है हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसमें रखनी जो है 2 आटे प्याज को हमने चॉप कर लिए, फ्राई करेंगे, इसमें अदरक और ये मिर्च लहसुन भी डाल देंगे। प्याज जो है थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, हम इसको जो है बंद कर देंगे, इसको हमें पीसना है। चलिए हम इसको पीस, चलिए हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया प्याज लहसुन और मिर्चे का। अब हम इसको जो है एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं, और साथ ही हम मसाले दिखाए थे आपको, सारे मसाले भी इसमें मिला देंगे। आपस मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और हमने जो नींबू दिखाया था पूरा उसका हमने रस भी निकाली, ये भी हम इसी में डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इस चीजें डालने से। अच्छा, अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इमली का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा जायका देता है। चलिए इसे अच्छे मिक्स कर लिए, अब हम बैंगन, चलिए बैंगन ले लेते हैं। बैंगन को हमको 4 हिस्सों में कट कर लेना है इस तरह से, और इस तरह से आप जरूर ध्यान रखिएगा कि बैंगन आपके खराब ना हो, अंदर पाने वगैरह होते हैं, कीड़े होते हैं, तो वो चीज देख के काटिएगा। जब बैंगन को हम इस तरह से काट लेते हैं, देखिए सारे बैंगन हमारे इस तरह से कट गए हैं। अब हमने ये जो पेस्ट बना के रखा है सब में ऐसे इस तरह से भरते रहेंगे, सब अंदर तक भर देंगे कायदे से पूरे, इस तरह से पूरे हम इसको अंदर तक भर देंगे ताकि पूरे मसाले हमारे इस तरह से हम इसको बंद करते हैं, इस तरह से सारे भर लेते हैं। चलिए हमने कढ़ाई में जो है थोड़ा तेल डाल दिया है, वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है ये बैंगन डाल देंगे, हमने 50 ग्राम की तेल डाला है इसमें, सरसों का है ये, आप किसी भी तेल बना सकते हैं, पलटने के बाद हमने जो मसाला बचा हुआ था ये भी इसमें मिला देंगे, साथ में पक जाएगा, थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे इसी तरह से। चलिए हम इसको ऐसे ही बंद करके कवर कर देते हैं फास्ट फूड के लिए। चलिए देखते हैं बैंगनों का क्या हाल है। अभी अभी 2 ही मिनट हुए हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि गले हैं कि नहीं, अभी ये नहीं गले हैं। अब इसी कंडीशन में हम इसमें जो है 4 हरी मिर्च भी डाल देंगे और हम फिर से कवर कर लेंगे। चलिए 5 मिनट से भी कम हुए हैं, देखते हैं मेरे बैंगन, हमारे लगते हैं बैंगन थोड़ी गल चुके हैं। ये देखिए आसानी से हमें कटे जा रहे हैं बैंगन, तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे।
अब इसमें डालेंगे हमारा धनिया, उतार लेते हैं इसको नीचे। हमने दूसरा पैन चढ़ाया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भिखू लाल एकदम जरा से, बस इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। चलिए ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम जो है राई और जीरा डाल देते हैं। गैस बंद कर देते हैं और हम इसकी बघार लगा देंगे। इससे बहुत अच्छा हमारा जायका हो जाता है, इसका तड़का लगाने से बहुत अच्छा कलर आएगा, क्योंकि देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको हम थोड़ा सारे धनिया से और गार्निश कर देते हैं। झटपट हमारा मसाला भरवा बैंगन तैयार। देखा विवास कितनी आसानी से हमने बैंगन का मसाला भरवा बैंगन आपके लिए तैयार किया है। बहुत इजी, बहुत टेस्टी है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह की नई रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।